हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऋषि मधुकर। माय नेम इज आशीष मधुकर। आई हैव टोटल 13 इयर्स सेल्स फोर्स सर्टिफाइड एंड 2 इयर्स बोर्ड एंड आल्सो आई एम ए सेल्स फोर्स इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने जैसा कि आप देख हमने जेन फोर्स एजेंट तो इस यूज केसेस भी कर लिए थे, तो आज से हम शुरू करते हैं सर्विस एजेंट। उसका भी बेसिक हम एक बार कर लेते हैं, फिर हम न्यू यूज केसेस पे बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक एंड एजेंडा है वो है गेट हैंड्स विद द एजेंट फॉर सर्विस एजेंट। एंड बात करते हैं सर्विस एजेंट की, तो हमारा एजेंडा है गेट हैंड्स ऑन विद एजेंट सर्विस एजेंट एंड ओवरव्यू ऑफ एजेंट सर्विस बेसिकली। तो सर्विस एजेंट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे इनेबल करेंगे सारा चीज, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम ये करने जा रहे हैं बेसिकली, तो हमारा ये जो हम एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं कोरल क्लाउड रिसोर्ट, तो यहाँ पे हमारा जो मेन है उसका सिनेरियो, अगर उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले अगर रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, तो कोरल क्लाउड रिसोर्ट वुड लाइक टू क्रिएट अ कस्टमर सर्विस एजेंट। अभी हमने क्या किया था, सेल सर्विस एजेंट हमने क्रिएट किया था। अब कोरल क्लाउड चाहते हैं कि एक कस्टमर सर्विस एजेंट हो जो टू हेल्प कस्टमर लर्न मोर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस इन दिस चैप्टर। ओके, यू वुड एक्सप्लोर हाउ कैन यूज एजेंट एजेंट फॉर सर्विस एजेंट टू डिस्ट्रीब्यूट एन एजेंट थ्रू एक्सपीरियंस क्लाउड। तो एक्सपीरियंस क्लाउड में बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो सीरीज चल रहा है हमारा, इस सीरीज में हम जो कम्युनिटी क्लाउड है एक्सपीरियंस क्लाउड पे, हम उस पर आपने सुना होगा आइंस्टाइन बोर्ड जो हम पहले यूज करते थे, तो अब हमारा आइंस्टाइन बोर्ड के बाद को रिप्लेस करके हम यूज करेंगे एजेंट्स फॉर सर्विस एजेंट। ओके, तो दिस टेक कॉम्बिनेशन ऑफ ओमनी चैनल फंक्शनलिटी इन सर्विस क्लाउड टू राउट अ कन्वर्सेशन फ्रॉम अ कस्टमर थ्रू अ एजेंट फॉर एजेंट। ओके, तो जो भी कस्टमर का होगा वो उसको राउट करेगा एजेंट फोर्स के पास। ओके, देन टू ब्रिंग दिस सर्विस एजेंट फ्रेमवर्क टू लाइफ, यू विल एक्सप्लोर हाउ टू सेटअप एंड कस्टमाइज एजेंट्स यूजिंग एजेंट फोर्स डिजाइन फ्लो फॉर इफिशियंट मैसेज राउटिंग एंड सिमलेसली कनेक्ट दिस कंपोनेंट विद एक्सपीरियंस क्लाउड फॉर अ इंटीग्रेटेड कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस। तो हम उस पर कस्टमर सर्विस एजेंट फोर्स पे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली। अगर भाई बात करते हैं नेक्स्ट, तो कोरल क्लाउड रिसोर्ट यूजेज अ वैरायटी ऑफ सेल्सफोर्स सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट टू मैनेज कस्टमर सर्विस। फॉर इंस्टेंस, कस्टमर क्वेरीज आर हैंडल थ्रू सर्विस क्लाउड राउटिंग फ्लो विच आर द लिंक टू द कॉन्टैक्ट्स एंड केसेस वाय एक्सपीरियंस क्लाउड। तो जो भी हमारे जो कस्टमर वहाँ पे उसको रीच कर रहा है एक्सपीरियंस क्लाउड पे फॉर रिक्वरी के लिए, वो हमारा जो भी केसेस रिलेटेड है उस कॉन्टेक्ट से उसके बारे में हम और आउट करेगा एजेंट फोर्स को। एज यू वर्क थ्रू द एक्सरसाइज इन दिस सीरीज, तो आप जो सा हमने प्रीवियस भी कर लिया था, और इसमें हम एक डायग्राम बेसिकली जो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, यूज द डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड हाउ एजेंट फोर्स सर्विस क्लाउड एक्सपीरियंस क्लाउड एंड स्टैंडर्ड सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट कोलोबरेट टू बिल्ड अ कोहेसिव सपोर्ट सिस्टम। तो कैसे इसमें सेल्स का जो है एजेंट फोर्स, कैसे सर्विस क्लाउड एक्सपीरियंस क्लाउड, कैसे वो सारे यूज करके हम उसको सिस्टम को बिल्ड करते हैं। देन बात करते हैं ये हमारा जो सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, तो ये मेरा क्लाउड बेसिकली स्ट्रक्चर है डायग्राम। तो अगर आप मैं लेफ्ट साइड में बात करूँ, तो हमारा लेफ्ट साइड में एजेंट फोर्स, ठीक है, एंड देन उसके बाद सर्विस क्लाउड कॉन्फिग्रेशन, देन एक्सपीरियंस क्लाउड एंड देन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारा यहाँ पे है एक कोरल क्लाउड एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोरल क्लाउड एजेंट। ओके, यहाँ पे कोरल क्लाउड एजेंट क्या है, एस्केलेशन समझ लो। ठीक है, यहाँ पे हम एस्केलेशन कर रहे हैं। ओके बेसिकली, और जो एस्केलेशन है यहाँ पे राउट क्यू फ्लो, तो बेसिकली ये मेरा राउट क्यू फ्लो पे आया, देन फॉल बैक क्यू एंड यूजर। ओके बेसिकली,
एंड अगर मैं राइट साइड से चलूँ, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में बात करूँ, तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में हमारा क्या क्या है? कॉन्टैक्ट, मैसेजिंग, सेशन एंड केस। ठीक है, तो जो हमारा मैसेजिंग, जो भी केस है उस मैसेजिंग सेशन से, वो कॉन्टैक्ट पे उसको आइडेंटिफाई करेगा। ओके, अगर मैं कॉन्टैक्ट की बात करूँ, यहाँ से कॉन्टैक्ट से हमारा जाएगा, इस पे जाएगा कोरल क्लाउड पे। ठीक है, कोरल क्लाउड उसको जैसे राउट करेगा, राउट करने के बाद हमारा जो भी हमने कंपोनेंट यूज किया है एक्सपीरियंस क्लाउड पे, इसके थ्रू हमारा वो कस्टमर्स उसको एंगेज करेगा। ओके, देन उसके बाद जो भी हमने सर्विस क्लाउड में बात करो, तो सर्विस क्लाउड में हमने जो एम्बेडेड सर्विस डिप्लॉयमेंट, जो हमने एक एम्बेडेड कंपोनेंट बनाएंगे इंटरनल में, उसको हम यूज करेंगे एक्सपीरियंस क्लाउड पे बेसिकली। तो उसको हम कैसे बिल्ड करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देन एंड मैसेज चैनल एंड राउटिंग टू एजेंट फ्लो, राउट टू द एजेंट फ्लो बेसिकली। ओके, देन कोरल क्लाउड। तो जी, कोरल क्लाउड हमारा मेन है यहाँ पे, उसके बारे में बात करता हूँ। तो बिफोर गोइंग टू, मैं आपको चलते हैं उसमें सेल्स फोर्स और में, मैं उसमें दिखा देता हूँ पहले। अगर आपके उसमें एजेंट फोर्स सर्विस क्लाउड नहीं होगा, तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो, या फिर आप उसको बेसिकली अपने एक, अगर आपने, जैसे मैंने बताया था, ये ट्रेलहेड से अगर आपने और बनाया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अगर आपने वहां से नहीं बनाया है, आपके पास एग्जिस्टिंग है, तो आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, एजेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से तो मैंने आपको बताया था, हमने पहले एजेंट्स, सेल्स एजेंट्स यूज किए थे। अब हमारे पास एजेंट्स में आता हूँ, तो मेरे पास 3 एजेंट्स है। ठीक है, आइंस्टाइन को पायलट हमने एजेंट के लिए किया था, कोरल क्लाउड एजेंट जो मेरा डिजिटल चैनल के लिए है, एंड कोरल क्लाउड एक्सपीरियंस एजेंट जो मेरा क्या है, सर्विस एजेंट। अगर आपके में ये वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप नेम नोट डाउन कर सकते हो आप, हम, या आप कोई और भी नेम दे सकते हो बेसिकली। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, न्यू एजेंट पे, यहाँ पे राइट साइड में इस पे क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। न्यू टैब में जैसे ही करोगे, तो यहाँ पे आपके पास अभी एक ही सिस्टम दिखाई देगा एजेंट, जो है एजेंट फॉर सर्विस एजेंट। सेल्स के लिए जो एजेंट फॉर एजेंट सेल्स फोर्स एजेंट फोर्स एजेंट जो हो, ऑलरेडी आपको को पायलट वाले में मिलेगा। और जो सर्विस के लिए है, आपको क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप चाहो तो जो एग्जिस्टिंग है उसको यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आया, आप सेलेक्ट टाइप एजेंट फॉर सर्विस एजेंट, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको क्या क्या इसमें से ऐड करना है। रिव्यू टॉपिक, केस मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, रिजर्वेशन मैनेजमेंट, डिलीवरी इशू मैनेजमेंट, ऑर्डर इंक्वायरी, एस्केलेशन, जनरल एफएक्यू, ये सारे आप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। देखो यहाँ पे दिखा है एडेड, बाय डिफॉल्ट सारे एडेड हो, अगर आपको हटाना है तो आप क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ठीक है, आपको जो नहीं चाहिए उसको हटा सकते हो, जो जो चाहिए वहां से टिक कर सकते हो। ठीक है, देन क्लिक करते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एजेंट पोस्ट का, एजेंट का नाम देना है बेसिकली। ओके, जैसे आप नाम दोगे, तो यहाँ देखो मैंने एजेंट फोर सर्विस एजेंट्स इसका नेम, देन डिस्क्रिप्शन में डिलीवर पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंटरेक्शन विद द ऑटोनोमस एआई एजेंट, एजेंट फॉर सर्विस एजेंट इंटेलिजेंटली सपोर्ट योर कस्टमर विद कॉमन इंक्वायरी एंड एस्केलेट कॉम्प्लेक्स इशू। ओके, द रोल, रोल में मैं बात करूँ तो रोल में यहाँ पे क्या है लिखा है, बाय डिफॉल्ट एन एआई कस्टमर सर्विस एजेंट हुज जॉब इज टू हेल्प कस्टमर विद सपोर्ट इस क्वेश्चन और अदर इशू। कंपनी में आप अपना बारे में, आपकी कंपनी जो भी, मतलब जो हम जिस कंपनी या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे एजेंट्स यूजर मेन यहाँ पे है कि कौन से एजेंट्स यूजर को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ आपको सिंपली देना है। सेलेक्ट करोगे, जैसे इसको सेलेक्ट करोगे, वो आपको यूजर परमिशन सेट असाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे, तो वो परमिशन सेट आपको असाइन हो जाएगा पर्टिकुलर उस यूजर को, आप जिसको सपोर्ट के लिए आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली देन इन यहाँ पे अगला ऑप्शन है इन रिच इवेंट लॉग विद कन्वर्सेशन डेटा, कि जो कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ हो रहा है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन आप इवेंट लॉग में जाना, मतलब सेव करना चाहते हो? अगर हाँ, तो इसको चेक करना है, इन रिच इवेंट लॉग विद कन्वर्सेशन, ये आपको चेक करना है।
ठीक है, अगर नहीं करोगे तो वहां पे आपको डेटा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपना कंपनी कुछ भी नाम देता हूँ, यशव ऋषि मधुकर दे देता हूँ टू हेल्प ट्रेल ब्लेजर फॉर फ्री सेल्स फोर्स लर्निंग। ठीक है, देन यहाँ पे अगर एजेंट की मैं बात करूँ तो मैं अपने आप को साइन कर लेता हूँ, हाँ देन रिच करके। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप आएगा सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा यहाँ से आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको देखो, यहाँ पे टू यूज डेटा लाइब्रेरी टर्न ऑन डेटा क्लाउड। अगर आप यहाँ पे डेटा क्लाउड है आपके, अगर आप डेटा क्लाउड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप डेटा क्लाउड जैसे ही मतलब वो लाइसेंस होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट कि आप क्या ऐसा, फॉर एग्जाम्पल कि आप डेटा क्लाउड यूज कर रहे हो जो कस्टमर का इंफॉर्मेशन है या फिर उनके ऑर्डर्स हैं या कुछ और इंफॉर्मेशन जो आप डेटा क्लाउड में स्टोर कर रख रहे हो, तो क्या आप एजेंट सर्विस एजेंट को डेटा क्लाउड का भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो ताकि जब कस्टमर कुछ पूछे तो डायरेक्टली डेटा क्लाउड पे जाके वहां से डेटा फेच करके आपको वहां पे कस्टमर को दिखा सके। तो इसलिए यहाँ पे हम एक डेटा क्लाउड का सिलेक्शन डेटा कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्टली आप नेक्स्ट है क्रिएट का बटन आप क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली आपका सर्विस एजेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे सर्विस एजेंट क्रिएट करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, सर्विस एजेंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए मैं वहाँ पे क्रिएट नहीं किया, आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप क्रिएट करोगे यहाँ पे आपको शो होने लगेगा सर्विस एजेंट, यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो जो आपने किया था यहाँ पे सारे सिस्टम सारा डेटा इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हमने दे दिया। ओके, नाउ इसमें कुछ टॉपिक देखना है कि कोई टॉपिक असाइन है, अगर नहीं तो नहीं। एक्शन देखना है, एक्शन देख सकते हो। सिस्टम मैसेज कुछ देना चाहते हो, जैसे कस्टमर वहां पे लॉगिंग करता है मतलब उस पर ओपन करता है, और आप क्या मैसेज दिखाना चाहते हो, मिसाल मैसेज दिखाना चाहते हो कस्टमर को जैसे ही हो वहां पे आता है। तो आप हमेशा किसी एआई पे जाते हो, एआई कन्वर्सेशन पे तो बोलता है ना, हाय आई एम एआई सर्विस एजेंट हाउ कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पे आप मैसेज कस्टमाइज करके सेव कर सकते हो तो वही मैसेज उसको दिखाई देगा। एंड कुछ एरर आएगा तो आप सॉरी इट्स लुक लाइक दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, तो यहाँ पे ऐसा मेरे पास जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ लैंग्वेज सेटिंग है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने डाल दिया है इंग्लिश एंड कैजुअल टोन। ओके, तो ये था मेरा सर्विस एजेंट जिसमें हम सिर्फ ओवरव्यू लिए कि कैसे हम सर्विस एजेंट क्रिएट करते हैं। तो आप इसको क्रिएट कर लो, नेक्स्ट से हम कल से इसमें टोटली यूज केस करेंगे, एक यूज केस हम बनाएंगे उसको पूरा फॉलो करके पूरा सर्विस क्लाउड पे डिप्लॉय करके उसको यूज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, हम जल्दी में सीख जाएंगे बट हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके सारे सीखेंगे। तो अगर आपको कोई वीडियो कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको हमारे वीडियो से अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।